वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कोरोना के कारण लोगों के मन में एक खौफ सा बैठ गया है। ऐसे में संदिग्धों के कोरोना पुष्टि होने से पहले ही लोग उन्हें कोरोना पीड़ित समझकर उनसे परहेज करने लगते हैं। हाल ही में ऐसा एक मामला हरियाणा से सामने आया, जहां पर कोरोना संदिग्ध एक महिला के अंतिम संस्कार पर लोगों ने जमकर बवाल काटा। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और खबर ये है कि इस पूरे मामले पर ग्रामीण इतना बेकाबू हो गए कि पुलिस को उन पर लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। क्या था ये पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ये मामला हरियाणा के अम्बाला छावनी से लगे चांदपुरा गांव का है। डॉक्टर्स के मुताबिक महिला को अस्थमा था और सोमवार की दोपहर उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद उसे अम्बाला छावनी स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान इस महिला ने दम तोड़ दिया, इसलिए अस्पतालों के सूत्रों ने बताया महिला के नमूनों को कोविड-19 की जांच के लिए रख लिया। ऐसे में ग्रामीणों को शक हो गया कि महिला की मौत कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से हुई है और उसका अंतिम संस्कार करने के कारण इलाके में भी संक्रमण फैल सकता है। पुलिस ने बताया कि जब महिला के रिश्तेदार शव को दाह संस्कार के लिए शमशान भूमि ले गए तो ग्रामीणों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। जब ग्रामीण अंतिम संस्कार में बाधा डालने लगे तो मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि संक्रमण का कोई खतरा नहीं है और अंतिम संस्कार का विरोध ना करें। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण समझने के बजाय उल्टा भड़क उठे। उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए, एम्बुलेंस में भी तोड़फोड़ की। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस को ग्रामीणों पर हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। आखिरकार पुलिस ने अपनी उपस्थिति में अंतिम संस्कार करवाया। अम्बाला के पुलिस अधीक्षक अभिषेक जोरावल ने कहा कि करीब एक दर्जन ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है, लेकिन ये घटना बताती है कि कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ किस कदर घर कर चुका है। हालांकि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना पीड़ित व्यक्ति के शव को जलाने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी जानकारी के अभाव में लोग दाह संस्कार का विरोध करने लगते हैं। और यहाँ तो मामला पुष्ट भी नहीं था, सिर्फ संदिग्ध था। ऐसे में इसे नासमझी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। बहरहाल इस रिपोर्ट पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की दूसरी रिपोर्ट्स देखने, सुनने और जानने के लिए बने रहें।